Hi friends, this is your inner sir. Today I have come up with a new lesson. For general English, all for competitive examinations. It is whether to use simple past or past perfect. Here is your first sentence. The patient dash in the bracket die before the doctor dash in the bracket arrive. दोस्तों देख लीजिए, और कोई भी सेंटेंस में दो पास्ट क्रियाएं हो तो जो क्रिया पहले घटी थी उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। अगर कोई भी वाक्य में दो पास्ट एक्शंस हो तो जो क्रिया पहले घटी थी उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो देख लीजिए, पहले पेशेंट शांत हुआ या डॉक्टर पहुंचा। इस वाक्य में पेशेंट पहला शांत हुआ, इसलिए उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। This is your second sentence. As the fire dash break, in the bracket break out, people dash in the bracket hurry out of their house. तो देख लीजिए, पहले आग लगी है या पहले आदमी भागे, तो यहां पर आग पहले लग चुकी थी, इसलिए उस वाक्य का वर्ब को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। एज द फायर हैड ब्रोकन आउट पीपल हरीड आउट ऑफ देयर हाउस This is your next sentence. I dash in the bracket meet him yesterday. यहां पर V2 form of the verb आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही क्रिया है और एस्टरडे है, और कोई भी वाक्य में पास्ट टाइम मार्कर हो उसे V2 फॉर्म में लिखेंगे। आई मेट हिम एस्टरडे। हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस। आई डैश इन द ब्रैकेट रिकॉग्नाइज हिम इमीडिएटली एज आई डैश हिम बिफोर इन द ब्रैकेट सी। तो यहां पर पहले पहचाना गया या पहले देखा है? पहले देखा इसलिए पहचाना। इसलिए उस वाक्य को जिसमें सी है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम इमीडिएटली एज आई हैड सीन हिम बिफोर। Here is your next sentence. I wish I dash in the bracket stay
with my friend during his last days. I wish I dash in the bracket stay with my friend during his last days. देख लीजिए, अगर एक वर्ब विश हो तो दूसरा वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा. I wish, यहां पर वर्ब विश है, इसलिए दूसरा वाक्य I dash in the bracket stay उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है. I wish I had stayed with my friend during his last days. I wish I had stayed with my friend during his last days. Wish का मतलब क्या है? वह नहीं हो पाया. वह नहीं हो पाया यानी अपना दोस्त के साथ रहना नहीं हो पाया. इसलिए अगर एक वाक्य में विश हो तो दूसरा वाक्य हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना चाहिए. आई विश आई हैड स्टेड विथ माई फ्रेंड ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज. हियर योर नेक्स्ट सेंटेंस. बाय द टाइम द फायरमैन डैश इन द ब्रैकेट अराइव द फायर डैश इन द ब्रैकेट डिस्ट्रॉय मेनी हर्ट्स. By the time the fireman dash in the bracket arrive, the fire dash in the bracket destroy many herds. यहां पर fireman पहले पहुंचे या huts पहले destroy हो चुके हैं. यहां पर fireman पहले नहीं आए, पहले क्या हुआ? The many herds had destroyed. इसलिए उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे. बाय द टाइम द फायरमैन अराइव्ड, बाय द टाइम द फायरमैन अराइव्ड द फायर हैड डिस्ट्रॉयड मेनी हर्ड्स. द फायर हैड डिस्ट्रॉयड मेनी हर्ड्स. हियर योर नेक्स्ट सेंटेंस. लॉन्ग बिफोर द चीफ गेस्ट डैश इन द ब्रैकेट अराइव The invitees dash in the bracket assemble. Long before the chief guest dash in the bracket arrive, the invitees dash in the bracket assemble. तो यहां पर chief guest पहले पहुंचे या invitees assemble पहले हुए? यहां पर invitees पहले assemble हुए थे, इसलिए उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे. उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे. लॉन्ग बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव्ड, लॉन्ग बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव्ड द इनवाइटीज हैड असेंबल्ड. द इनवाइटीज हैड असेंबल्ड. लॉन्ग बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव्ड द इनवाइटीज हैड असेंबल्ड. Here is your next sentence. I wish I dash send my application in time. I wish I dash send my application in time. I wish I dash in the bracket send my application in time. तो पहले एक वाक्य हम लोग कर चुके थे. अगर एक वाक्य में वर्ब विश हो तो दूसरा वाक्य का वर्ब को हम कौन से टेंस में लिखना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस में. आई विश आई हैड सेंट माई एप्लीकेशन इन टाइम, दैट मीन्स ही डिडंट सेंड. इसका मतलब वह नहीं भेजा था एप्लीकेशन. अभी अफसोस हो रहा है, चिंता कर रहा है. आई विश I had sent my application in time. Here is your next sentence. If he dash in the bracket apply in time, he would have got the job. If he dash in the bracket apply in time, he would have got the job. Dekh lijiye. Dusra vakya mein would have got. परफेक्ट कंडीशनल.
वुड हैव गॉट, इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट कंडीशनल। अगर एक वाक्य में परफेक्ट कंडीशनल हो तो इफ क्लाज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए। क्या है उस वाक्य में परफेक्ट कंडीशनल हो तो, परफेक्ट कंडीशन क्या है, वुड हैव गॉट, वुड हैव प्लस वी थ्री हो तो, इफ क्लास के साथ जो वाक्य आता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना चाहिए। इफ ही हैड अप्लाइड इन टाइम यू वुड हैव गॉट द जॉब, इफ ही हैड अप्लाइड इन टाइम ही वुड हैव गॉट द जॉब। Here is your next sentence. I dash in the bracket not speak to him as I dash in the bracket not introduce to him. I dash in the bracket not speak to him as I dash in the bracket not introduce to him. तो यहां पर देख लीजिए, अगर introduce किया गया हो तो ही बात करेंगे ना, अगर इंट्रोडक्शन किया गया हो तो बातें करेंगे। इसलिए ये दूसरा वाक्य को हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, वो भी पैसिव स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन किया गया हो तो, किया गया दैट मींस पास आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। Had not been introduced, had not been introduced. तो वाक्य क्या होगा, I did not speak to him, I did not speak to him as I had not been introduced to him, as I had not been introduced to him, I did not speak to him as I had not been introduced to him. दूसरा वाक्य पैसिव में होना चाहिए,